हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आम पना तो सभी के घरों में बनता है, लेकिन मैं आज लेकर आई हूँ आम पना प्रीमिक्स की रेसिपी। जी हाँ, इस प्रीमिक्स से आप कभी भी आम पने का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो कैरी ले ली है। अब इस कैरी को आप पीलर से छील लें। आम के छिलके को निकाल लेना है। कैरी को मैंने छील लिया है। अब इस कैरी को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की किसनी ले ली है। कैरी को हमें मीडियम थिक किसनी से कीस लेना है, जिससे इसके लच्छे बन जाए। तो यहाँ पर इसे मैंने कीस लिया है। अब इसे एक थाली में इस तरह से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना लच्छेदार किसाया है। सेम तरह से मैं दूसरी कैरी को भी छील कर कीस लूंगी। कीसने से आम आसानी से सूख जाता है, तो यहाँ पर दूसरी कैरी को भी मैंने कीस लिया है, उसे भी फैला लेंगे। आप इसे पतला सा थाली पर फैला लें। स्प्रेड हो जाने पर इस ग्रेट की हुई कैरी को 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखा लेना है, जब तक कि ये एकदम ड्राई सूख न जाए। नेक्स्ट, अब एक बाउल में ढेर सारा पानी ले लिया है। इस पानी में 1 कप पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे। पुदीने की पत्तियों को अच्छी तरह से साफ धो लेना है। तो आप इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें। पुदीना धुल चुका है। अब इसे एक कपड़े पर स्प्रेड कर लेंगे। तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर पुदीने की पत्तियों को फैला लें। फिर उसी कपड़े से इन्हें हल्का हल्का सुखा लेना है, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो पुदीने की पत्तियों को मैंने हल्का ड्राई कर लिया है। फिर अब इन पुदीने की पत्तियों को दूसरे साफ कपड़े पर फैला लेंगे और इन्हें घर के अंदर ही फैन के नीचे सूखने देंगे। पुदीने की पत्तियां फैन के नीचे ही आसानी से सूख जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमने कैरी को ग्रेट करके सुखाया था वो अच्छी तरह से सूख चुकी है और सूखने पर कुछ इस तरह की दिखती है। साथ ही जो पुदीने की पत्तियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई हैं। अब प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में सूखी हुई कैरी को ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसमें सूखी हुई पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड करेंगे, साथ ही 1/2 कप शक्कर। और अब टेस्ट के लिए 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच भुना जीरे का पाउडर ऐड कर लेंगे। इन्हें ऐड करने से ही एकदम आम पने का बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को आप एकदम फाइन पाउडर में पीस लें। ये लीजिए, आम पना प्रीमिक्स बनकर तैयार है। इसे मैंने एकदम फाइन पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब इस आम पना प्रीमिक्स को एक एयर टाइट कांच की बर्नी में मैं भर लूंगी। तो अब आप भी इस आम पना प्रीमिक्स को इस तरह से बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रीमिक्स को कैसे यूज करना है वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल लें। फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच आम पना प्रीमिक्स के पाउडर का ऐड करेंगे और फिर ठंडा पानी डालकर ग्लास को भर लेंगे। तो ये लीजिए, झटपट से बिना कोई मेहनत के आम पना बनकर तैयार है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल आया है। तो था ना आम पना प्रीमिक्स बनाना बड़ा ही आसान।
आप भी इस आम पना प्रेमिक से तुरंत आम पना बनाकर इसका मजा ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हों तब भी आप इसे झटपट से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।